Hello everybody, welcome on our RNCC Nursing Online platform. Today we will discuss some important community health nursing MCQs. The topic is vaccination. Okay, so let's start the topic. First MCQ is Sullivan Index. So options are measures disability, measures life years adjusted with death, measures life expectancy free of disability, measures life expectancy. So what is Sullivan Index? Sullivan Index is the formula was given by the American socioeconomist, that was Johan Sullivan. उनके नेम से ही ये क्या है, इसका नेम रख दिया गया है इंडेक्स का, the socioeconomist who given this term. The formula to calculate this index is life expectancy minus duration of disability. Okay, so this is a formula to calculate the Sullivan index. So here, what is the life expectancy? Life expectancy mean to say we are expecting that the calculating the Sullivan index means लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम उस जगह की, उस एरिया की, वहां की जनरेशन की, ठीक है, वो क्या है, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस कितनी डिसएबिलिटी है, मींस जितनी पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी ऑफ द स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक जेंडर, ठीक है, उसमें से क्या है, हम माइनस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ डिसएबिलिटी को. सो इंडिया की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाए, थोड़ा डाटा है, दैट इज इन द 2024 it was 70.62%. इंडिया की जो रिसेंट डेटे के अकॉर्डिंग, रिसेंटली जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई गई है, ठीक है जी, दैट इज 70.62%. इन 2023 इट वॉज 70.42%, दैट इज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है जी, इट इज इंक्रीज 0.29%, ठीक है, एंड इन द 2022 इट वो 70.33%, मींस वी आर प्रैक्टिसिंग, है ना, विद द हेल्प ऑफ सम एडवांस टेक्नोलॉजी वी आर इम्प्रूविंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द स्पेसिफिक कंट्री. सो दिस इज द डेटा फॉर द इंडिया, ठीक है जी. सो सुलिवन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ द डिसएबिलिटी. सो अब हम क्या है, एमसीक्यू देख लेते हैं. सुलिवन इंडेक्स इज, इट मेजर्स डिसएबिलिटी, मेजर्स, ठीक है, डिसएबिलिटी मेजर करता है, ठीक है, मेजर्स लाइफ इयर्स एडजस्टेड विद डेथ, नो, मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसएबिलिटी. सो दिस वॉज अ फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, है ना. सो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, क्लियर है जी, इट मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ disability. We'll move to next MCQ. So next MCQ is incidence rate refers to. So here we should know what is incidence rate. The options are only old cases, both old and new cases. Only new cases and none of the above. So what is incidence rate? We should know here what is incidence rate. सो यू कैन रिमेंबर, कभी कभी क्या है, हम इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, वट इज इंसिडेंस एंड द प्रिवेलेंस रेट, ठीक है जी. सो इंसिडेंस मीन्स समथिंग न्यू, हम बोल देते हैं ना, लाइक इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो के क्या है, एक नया इंसिडेंस हुआ है ना. सो इंसिडेंस रेट इज मीन्स नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 10 रेस पार एन, ठीक है, जितने से भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. यहां पे क्या है, हम न्यू केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, न्यू केसेस के बारे में. नाउ विद साइमल्टेनियसली इंसिडेंस आई वॉन्ट टेल यू अबाउट द प्रीवेलेंस रेट ऑल्सो. What is prevalence? So here you can remember the prevalence rate with the trick P से previous, ठीक है जी,
नॉट ओनली प्रीवियस, प्रीवलेंस इंक्लूड बोथ, दैट इज नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस, वही ऑफ द स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन, ठीक है जी, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय, वहां पे क्या था टोटल पॉपुलेशन इन द इंसिडेंस रेट, यहां पे क्या आएगा द टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, रिस्क पे कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 10 रेस पर एन. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बोथ इंसिडेंस एज वेल एज द प्रीवेलेंस रेट. सो हमें एमसीक्यू ने क्या पूछ रखा था, एमसीक्यू ने क्या पूछा हमसे, व्हाट इज इंसिडेंस रेट. सो इंसिडेंस रेट में हमने क्या, ओनली ओल्ड केसेस, नो, बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस, दिस इज द प्रीवेलेंस रेट, राइट, प्रीवेलेंस रेट. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ओनली न्यू केसेस, सो दिस इज द ऑप्शन टू कैलकुलेट द इंसिडेंस रेट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. सो अ थर्ड एमसीक्यू इज सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू, हाँ जी, सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू इट इज लॉन्ग टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस, सीजनल चेंजेस, पीरियोडिकल चेंजेस एंड द रिलीजन चेंजेस. सो हियर व्हाट इज सेक्युलर चेंजेस, सेक्युलर चेंजेस है ना. सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द सेक्युलर चेंजेस. सो मीन टू से सेक्युलर चेंजेस किसके अंडर आ रहे हैं, सो इट कमिंग अंडर द एज इन द एपिडेमियोलॉजी है ना, इन द एपिडेमियोलॉजी. सो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन अमंग द स्टडी ऑफ डिसीज अमंग पॉपुलेशन है ना, स्टडी ऑफ डिसीज अमंग पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशन. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपिडेमियोलॉजी के कोई भी मतलब के क्या है, हम जब डिसीज की स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डिसीज इसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, किस टाइम से फैल रही है, किस इन्वायरमेंट कैसा चाहिए. सो दिस इज अ ट्रायड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी है ना, दैट इज द एजेंट, होस्ट एंड द इन्वायरमेंट. सो अंडर द एपिडेमियोलॉजी व्हेन वी आर स्टडिंग द डिसीज है ना, कि विद द टाइम ये कैसे स्प्रेड कर रही है. सो अंडर एपिडेमियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज है ना, तो वहां पे ये सारे चेंजेस जो हमें एमसीक्यू ने पूछ रखे हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी. सो दीज आर अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज. सो इट डिवाइड्स अंडर लॉन्ग टर्म चेंजेस शॉर्ट टर्म चेंजेस and the periodical changes, right? So three changes are here, that is the long term, short term and the periodical changes. So long term ka jo synonym hai, mean to say long term changes are also known as the secular changes, these are also known as the secular changes. Next is the short term changes and next is the periodical changes. Under periodical changes there are two types of changes, that are the seasonal changes and the cyclical changes. ठीक है जी. So what is long term changes? So long term changes mean to say from long time period, mean to say from decades, what are the changes in the specific disease condition, के जो disease spread होने का जो trend है उनमें क्या changes आ रहे हैं, from the long term, mean to say from decades, what are the changes in the disease trend. So for example I wanna tell you that this is the graph of the with the time in the disease condition. So for example here we are dividing this peak, these are the
नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है जी। सो दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है। वट आई वॉन्ट टू टेल यू हियर दैट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है ना जो, फ्रॉम द डेकेड दीज आर, अभी के जो टाइम पे, पहले क्या था ये कम थी, और अभी के टाइम पे आप, एक मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊंगी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है फ्रॉम 10 to 20 years जो क्या है ये अभी इंक्रीज होने लगी है, और जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है वो डिक्रीज होने लगी है। दीज आर द लॉन्ग टर्म चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक द हार्ट डिसीजेज, ठीक है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दीज आर इंक्रीजिंग, है ना। एंड द कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक द पोलियो, है ना, पोलियो इज टोटली इरेडिकेटेड लाइक, है ना। एंड स्मॉल पॉक्स इज लास्ट इन द 1975 इट इज इरेडिकेटेड। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म चेंजेस दैट हैपनिंग इन द डिसीज ट्रेंड, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म चेंजेस। सो वट आर द शॉर्ट टर्म चेंजेस? Short term changes mean the changes that are occurring within the small time of duration. For example, endemic, epidemic and the pandemic. Mean to say, यहाँ पे हम क्या है? Endemic. कोई भी disease condition है, वो endemic हो भी, epidemic हो गई है किसी जगह पे, and pandemic. For example, के practically अगर देखा जाए कि COVID ने within the स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, है ना, 1 to 2 years में वो कैसे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है वो स्प्रेड कर गया था। सो दैट इज द शॉर्ट टर्म चेंजेस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज दिस पीरियोडिकल चेंजेस। पीरियोडिकल चेंजेस इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइक द कोविड, है ना जी, उसकी थी नॉन कम्युनिकेबल एंड द कम्युनिकेबल डिसीज ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज द पीरियोडिकल। पीरियोडिकल के अंडर हमने दो किए हैं, दैट इज द सीजनल एंड द साइक्लिकल। सो अंडर सीजनल फॉर एग्जांपल हम क्या है विंटर का देख लेते हैं थोड़ा, एंड द समर। सो फॉर एग्जांपल नाउअडेज क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना, कि सर्दियों में ज्यादा क्या है लाइक किसी को कफ होगी, जुखाम हो गया, खांसी होगी। सो दीज ऑल आर दी विंटर चेंजेस। सो समर में क्या है, है ना, गर्मियों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन होगी, है ना, नोजिया, वॉमिटिंग, घबराहट। सो दीज ऑल आर लाइक डायरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो दीज आर दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल conditions. So we can understand के जो क्या है weather conditions के कारण भी जो changes होते हैं that are coming under the periodical and under the cyclical changes यहाँ पे क्या रहेगा जी। cyclical changes में क्या होता है कि कुछ time duration के बाद, time duration like mean to say like from 3 to 6 years, है ना, From 6 to 9 years क्या है डिसीज कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं। कोई डिसीज कंडीशन इस टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या है ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, या उस केस के उस डिसीज कंडीशन के बहुत ही ज़्यादा केसेस आने लग जाए, सो दैट आर नोन एज द साइक्लिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 3 to 6 years क्या है मीजल्स के केसेस बढ़ बढ़ कर आने लग जाते हैं, ठीक है। सो सेम लाइक इन द 6 to 9 years जो क्या है रूबेला के केसेस, ठीक है। सो दीज आर दी साइक्लिकल चेंजेस। सो वट वर आर क्वेश्चन, दैट इज द सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू। सो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया है कि सेकुलर चेंजेस आर मीन टू से लॉन्ग टर्म चेंजेस। सो आर आंसर हेयर शॉर्ट टर्म चेंजेस नो, सीजनल चेंजेस नो। सो जो पीरियडिकल चेंजेस थे उसके अंडर हमने सीजनल एंड दी साइक्लिकल चेंजेस पड़े हैं, ठीक है। रिलीजन चेंजेस इज नॉट रिलेटेड टू दी मीन्स नॉट रिलेटेड टू दी डिसीज ट्रेंड चेंजेस, ठीक है जी। सो आर आंसर इज द लॉन्ग टर्म चेंजेस। सेकुलर ट्रेंड्स आर ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग टर्म चेंजेस। विल मूव टू नेक्स्ट MCQ। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी।
आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इज गिवन इन, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इज गिवन इन. सो द ऑप्शंस आर टाइफाइड, रेबीज, मम्स एंड रूबेला. टाइफाइड, रेबीज, मम्स एंड रूबेला. सो टाइफाइड के केस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम क्या है उसके डिसीज कंडीशन के आने के बाद क्या है वहां पे वैक्सीनेशन करनी स्टार्ट करें, है ना. सो ऐसा कुछ नहीं है टाइफाइड के केस में, ठीक है. ठीक है, यहाँ पे क्या है बाद में जो क्या है ट्रीटमेंट लाइक एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह क्या है पेशेंट को दी जाती है. तो वैक्सीनेशन इज नॉट द राइट टर्म इन द टाइफाइड, ठीक है. रेबीज के केस में नेक्स्ट मम्प्स एंड द रूबेला. सो अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉर द मम्प्स एंड रूबेला वी आर गिविंग प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, ठीक है जी. सो द राइट ऑप्शन इज द रेबीज. सो आई वो नॉट टेल यू समथिंग अबाउट रेबीज. सो रेबीज इज वॉट, इट इज द डिसीज कंडीशन कॉज्ड बाई द एनिमल बाइट, है ना, एनिमल बाइट से हो रही है, दैट इज द रेबीज. तो अभी और क्या बताएंगे हम रेबीज के बारे में, ठीक है. इसकी थोड़ी सी हम सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी इसकी क्लासेस कर लेते हैं. क्लास वन, क्लास टू एंड द क्लास थ्री. सो क्लास वन इज द माइल्ड, टू इज द मॉडरेट कैटेगरी एंड थर्ड इज द सीवियर काइंड ऑफ कैटेगरी. तो माइल्ड के अंडर क्या आता है, मेन टू से सपोज पेशेंट, पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स लाइक एक्सपोजर कैसा होता है ना, एनिमल ने प्रॉपरली बाइट नहीं किया है, जस्ट देयर इज ए लिकिंग ऑफ एनिमल एंड नो ब्रोकन स्किन, जो स्किन इंटेग्रिटी है दैट इज नॉर्मल. मॉडरेट के केस में क्या है, फ्रेश लिकिंग ऑन द, फ्रेश लिकिंग ऑन ब्रोकन स्किन, ठीक है जी. स्किन क्या है वहां पे लेसरेशन कर दी है प्रॉपरली एंड देर इज ओजिंग फ्रॉम, ओजिंग फ्रॉम, ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस स्किन, ओजिंग ऑफ ब्लड इज देयर, ठीक है. और यहां पे जो क्या है, जो बाइट्स है, बाइट्स मीन टू से जो, या फिर बोल लो जो वूंड है, वूंड that are less than 5, ठीक है जी. And in case of severe, these are more than 5, ठीक है जी. The important difference between second and third category is, second के केस में आपका all body wounds will come under second category, mean to say moderate category, except your head. Mean to say wounds on the head, face, neck, palms and your fingers. ठीक है जी, ये जो क्या है second category में नहीं आते, these are coming under the third category and more than 5 wounds will coming under the third category. All over the wounds over the body will coming under the second category. So this is a major difference between the first, second and the third category. So now talk about the, what are the post exposure vaccination, वो तो हमें पता चल गया है कि rabies में है, है ना. Next हम कर लेते हैं इसमें कि vaccination कब होती है, post exposure जो vaccination हो रही है ना वो कब कब लगती है, ठीक है जी. Post exposure vaccination लगती है at the zero day, ठीक है, third day, 7th, 14th, 28th and the 90th day, mean to say total 5 doses in the post exposure vaccination. And जो pre exposure वैसे तो बहुत सारे disease conditions में होती है, like as we know according to the vaccination schedule, है ना. जो pre exposure है जो के rabies का भी दिया जाता है, that is on this 0 day, 7 day and the
28.3, ठीक है. सो दीज आर गिवन टू द लाइक लैब वर्कर्स, है ना, या फिर जो क्या है एनिमल होम्स में जो क्या है लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी. सो द क्वेश्चन वॉज दी के पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन किनको दी जाती है, द आंसर इज दी रेबीज के केस में. सो विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज सॉयल इज एन इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर फॉर ऑल एक्सेप्ट. द ऑप्शंस आर ब्रुसेलोसिस, कोक्सीडोमाइकोसिस, एंथ्रेक्स एंड द टेटनस. हाँ जी, सो हेयर वी शुड नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्वायर एंड द सोर्स. हाँ जी, सो सोर्स मेन टू, पहली बात तो रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर जहाँ पे जो क्या है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लिविंग एरिया है वो उसका, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. एंड व्हाट इज सोर्स, सोर्स क्या है जी, सोर्स मीन टू से दिस इज अ, इट कैन बी अ एनिमल, इट कैन बी अ ह्यूमन, इट कैन बी अ मीन टू से लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थ्रू द, थ्रू विद द हेल्प ऑफ दैट, दैट means source is the kind of mediator with the help of that it can spread infection to the further person, ठीक है जी. Like fomites can also be the source of the infection, ठीक है जी. It can be living and it can be non-living object. So here the question asked us, soil is an important reservoir for all. So यहाँ पे अगर elimination method, so tetanus का आपको सभी को पता है कि tetanus is the reservoir for the टेटनस, सॉरी सॉयल इज द रिजर्वायर फॉर द टेटनस, है ना. सो ये तो हमारा आंसर नहीं है, उन्होंने क्या पूछ रखा है हमारे से, एक्सेप्ट, ठीक है जी. सो टेटनस जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइक न्यूरोमस्कुलर टेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज, है ना, एंड द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज द टेटनस, है ना. क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इज द कॉजेटिव एजेंट. नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स. सो जो एंथ्रेक्स है इसका जो, दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है जी. इसका भी जो पॉजिटिव और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज दिस बैक्टीरिया रिजर्वायर इज द सॉइल, ठीक है जी. तो इसका भी क्या है, सॉइल ही है. नेक्स्ट इज द कोक्सीडोमाइकोसिस. कोक्सीडोमाइकोसिस इज वॉट, कोक्सीडोमाइकोसिस इज द फंगल इन्फेक्शन. दिस इज ए फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस दैट इज द कोक्सीडोमाइसिड्स. दिस इज द फंगल, दिस इज द कोक्सीडोमाइकोसिस इज द फंगल इन्फेक्शन जिसका फंगस का नेम क्या है, कोक्सीडोमाइसाइट्स. एंड इसका भी जो रिजर्वायर है दैट इज दी सॉयल. सो हमारी एक ऑप्शन बची है ब्रुसेलोसिस, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी. सो ब्रुसेलोसिस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे हम. ब्रुसेलोसिस में क्या है, ब्रुसेलोसिस कॉज बाय द बैक्टीरिया ब्रुसेला, ब्रुसेला. So, इसका रेजरवायर कौन है जी, द रेजरवायर ऑफ दिस इन्फेक्शन इज द एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक द स्वाइन, लाइक द कैटल, ठीक है जी, काउ, ठीक है. दीज आर द एनिमल रेजरवायर फॉर द ब्रुसेला, ठीक है. सो व्हेन वी आर टेकिंग एंड वी आर कंज्यूमिंग द अनपास्टराइज्ड मिल्क, consumption of unpasteurized milk from the infected animal, ठीक है. so we will got infection from the same animal, ठीक है जी. so the reservoir for the brucellosis is the animals, ठीक है जी. unpasteurized milk से हमें क्या है, ये further infection
ट्रांसमिट हो जाती है. सो द क्वेश्चन वॉज द सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रेजरवायर फॉर ऑल एक्सेप्ट एक्सेप्ट में क्या आ जाता है, ब्रुसेलोसिस, जिसका मैंने आपको बता दिया कि ब्रुसेलोसिस का क्या है, एनिमल्स इज द रेजरवायर. नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू, बिटवीन वी आर हैव टू टेक सम बूस्टर डोज ऑफ द योर. So this is the have patience, all things are difficult before they become easy, है ना. So with the help of a quotation we should motivate on ourselves, है ना, have patience. So we have to take some patience and we have to do daily struggle, then results will happen over time, not overnight. ठीक है जी, पहले करने से जो क्या है सारी चीज़ें क्या है डिफिकल्टी लगती है ना. नेक्स्ट आर एमसीक्यू इज, सो हमें क्या है ऑलवेज मोटिवेट रहना है कि जो भी चीजें हैं विल हैपन ओवर टाइम, कभी भी जो क्या है होप नहीं छोड़नी है हमें, है ना. नेक्स्ट एमसीक्यू इज सीरियल इंटरवल इज, सो व्हाट इज सीरियल इंटरवल, टाइम गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस, टाइम गैप बिटवीन इंडेक्स एंड द प्राइमरी केस, C option is the time taken for a person from receipt of infection to develop maximum infectivity, the time taken from infection till a person infects another person. So what is serial interval? So यहाँ से D option से start कर लेते हैं जी हम. The time taken from infection till a person infect another person, है ना, mean to say this is the infected person, है ना. इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, हम क्या है ग्राफ की हेल्प से टाइम मान लेते हैं, ठीक है. दिस इज द पर्सन ए एंड दिस इज द पर्सन बी. सो दिस इज द टाइम, द टाइम टेकन फ्रॉम इन्फेक्शन टिल अ पर्सन इन्फेक्ट्स अनदर पर्सन. यहाँ वाला जो टाइम पीरियड है इसके बारे में इन्होंने बोला हुआ है, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. दैट इज कि जो एक पर्सन से, मतलब क्या है कि कितना टाइम लगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट किया, उस टाइम बिटवीन द टाइम ड्यूरेशन जो है उस पर्सन, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी. सो द क्वेश्चन आस्क्ड अस द व्हाट इज सीरियल इंटरवल, सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट ऑप्शन इज द टाइम टेकन फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू डिवेल्प मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी. तो ये तो क्या, एक तो ये चीज़ होगी कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, है ना, जब क्या है ए ने बी से, सॉरी ए से जो क्या है इन्फेक्शन बी तक गई, सो दिस इज द पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी. नेक्स्ट क्या है टाइम टेकन फॉर अ पर्सन, है ना, जब उसने बी ने देखो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में क्या है इन्फेक्शन ले तो ली है, टू डिवेलप मैक्सिमम, आइदर इट इज मिनिमम और द मैक्सिमम दैट विल डिफर, बट जो बी पर्सन था इसने कब तक, हो सकता है इसने फिफ्थ डे पे इस पर्सन से ए से इन्फेक्शन एक्वायर कर ली, बट कितने टाइम ड्यूरेशन पे, कितने दिनों के तक इसको मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जो क्या है डेवलप करने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगती है. सो दिस स्टेटमेंट इज दैट, ठीक है. सो उसको क्या बोलते हैं हम, जनरेशन टाइम. सो दिस इज ऑल्सो नोट द राइट ऑप्शन. सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ द जनरेशन टाइम, कि मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी मतलब किसी भी डिसीज कंडीशन को पीक तक शो करने का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज पीरियड ऑफ जनरेशन, ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो नोट द राइट ऑप्शन. सो टाइम गैप बिटवीन द इंडेक्स एंड द प्राइमरी केस, सो हियर वी शुड नो व्हाट इज प्राइमरी केस, केसेस के बारे में अगर हम बोल ले पता करें व्हाट इज प्राइमरी केस. सो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस and the index case. So primary case is what? It is the first person
इन्फेक्टेड विद स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन, पर्टिकुलर डिसीज. सेकेंडरी केस इज व्हाट? द पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी केस. ठीक है जी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस. नाउ वी शुड नो व्हाट इज इंडेक्स केस, है ना. सो दिस इज द केस हु कम इन नोटिस ऑफ, मीन्स फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कम इन नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर. ठीक है जी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द इंडेक्स केस. प्राइमरी केस क्या है? फर्स्ट पर्सन जो क्या है किसी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन से इन्फेक्ट हो रहा है. सेकेंडरी जो क्या है लाइक फ्रॉम द ए, जो क्या है ए इज द प्राइमरी केस. ठीक है जी. बी इज द सेकेंडरी केस. ठीक है, जो क्या है ए से इन्फेक्ट हुआ है. बट जो इंडेक्स केस रहेगा आइदर दैट मे बी प्राइमरी केस, दैट मे बी सेकेंडरी केस, दैट इज नॉट डिपेंड, है ना. इंडेक्स केस क्या है? जो के हम जब इन्वेस्टिगेशन या फिर क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की नज़रों में आ रहा है, उसने नोटिस किया कि दिस इज द पर्सन इन्फेक्टेड विद दैट स्पेसिफिक डिसीज, है ना. मीन टू से इन्वेस्टिगेटर की जो नोटिस में फर्स्ट पर्सन आ रहा है दैट इज नोन एज द इंडेक्स केस. ठीक है जी. सो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सीरियल इंटरवल इज, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द इंडेक्स केस, है ना. सो हेयर इज द टाइम गैप बिटवीन द प्राइमरी एंड, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. सो आर राइट ऑप्शन इज द टाइम गैप बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केस, है ना. टाइम गैप बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केस. सो वट इज सीरियल इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए, है ना, एंड दिस इज द पर्सन बी. ठीक है, इसमें जो भी डिफरेंस है, जो टाइम गैप है, दिस टाइम गैप इज नोन एज द सीरियल इंटरवल. क्लियर है जी. सर एमसीक्यू, सीरियल इंटरवल इज व्हाट? इट इज द गैप बिटवीन द प्राइमरी, दिस गैप बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केस इज नोन एज द सीरियल इंटरवल. क्लियर है जी. विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वाउंड इज मोस्टली व्हाई? कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रही है पर्सन को, उसको वो कैसे हो रही है, है ना. तो ऑप्शंस है डॉक्टर, पेशेंट, एयरबोर्न एंड द इंस्ट्रूमेंट. सो इट इज नॉट बाय द डॉक्टर, इट नॉट बाय द पेशेंट, नॉट बाय द एयरबोर्न. द राइट आंसर इज द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जो सर्जिकल वुंड है, जब हम जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे यूज कर रहे हैं, है ना, प्रॉपरली वो क्या है, स्ट्राइल नहीं है, जहाँ प्रॉपर केयर नहीं है उनकी. ठीक है जी. सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल कॉज टू एक्वायर सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन बाय द इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट ऑप्शन इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज नॉट सीन इन. जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है दैट इज नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रेबिस, एड्स, पोलियो एंड द हेपेटाइटिस ए. सो हेयर वी शुड नो व्हाट इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. सो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज व्हाट? मीन टू से दो चीजें होती है, एक तो होती है क्लिनिकल केसेस, ठीक है, एक होते हैं सब क्लिनिकल केसेस. ठीक है जी. सो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन मीन टू से कि हमें साफ साफ केस का पता चल रहा है, क्लिनिकल केस का, दैट पर्सन इज स्पेसिफिकली सफरिंग फ्रॉम दिस स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन, है ना, कि इस पर्सन को ये कोई स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन, उसके साइन एंड सिम्टम से, उसके प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से हमें साफ साफ, या उस पर्सन में क्या है प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम ऑफ द
पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन जो क्या है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज नोन एज द क्लिनिकल केस. बट वॉट इज सब क्लिनिकल केस? मीन टू से उस पर्सन को दैट कार्डिनल सिम्टम्स जो एक स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन के होते हैं वो हमें अपीयर नहीं हो रहे, ठीक है. एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग अ स्पेसिफिक पर्सन कि हाँ आपने क्या देखा कि ठीक है इसको मतलब क्या नोजिया हो रहा है जी, वॉमिटिंग हो रही है, इसको वीकनेस है. सो दीज आर द जनरल सिम्टम्स. उसको क्या एक नॉर्मल से सिम्टम्स आ रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन, है ना. हमें पता नहीं चल रहा कि इस पर्सन को कोई डिसीज कंडीशन है ना. मेन टू से उसको जो क्या है जनरलाइज सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक जनरलाइज वीकनेस है उसको, वो बोल रहा है कि मेरे को लाइक अनिमिक है पर्सन, है ना. तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज नॉट सीन इन जो एड्स के पर्सन है ना. हमें नहीं पता कि ये क्या है कम्युनिटी में किस पर्सन को एड्स है, एचआईवी है, उनको क्या है मतलब प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने से हमें पता चलता है कि यस दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एचआईवी. मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा, है ना. तो दिस इज ऑल्सो द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, है ना, कि हो सकता है कि एड्स वाला जो पर्सन है ना, जब उसको कोई फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो वो क्या है एक नॉर्मल वीकनेस शो होगी उसको, या उनको कोई इन्फेक्शन होनी स्टार्ट होगी, है ना, लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं वो. तो हमें एज सच पता नहीं चल पा रहा कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स. नेक्स्ट पोलियो का क्या है? पोलियो के केस में क्या होता है, ये पर्सन है ना जो पोलियो वाले, ये भी मतलब डिसीज को फर्दर स्प्रेड करते रहते हैं, इनमें भी रेजरवायर है ना. मतलब पता नहीं चल रहा, वो स्पेसिफिक जो स्टूल अकॉर्ड टेस्ट वगैरह करेंगे तब ही डायग्नोस होगा जाकर, या फिर पर्सन को जब प्रॉपरली वो इन्फेक्ट हो गया, जब उसमें साइन एंड सिम्टम आने लगे, देन वी कैन डायग्नोस दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो, है ना. तो हेपेटाइटिस ए के केस में भी क्या रहता है, इसमें भी सब क्लीन, हमें नहीं पता चल रहा कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हेपेटाइटिस, ठीक है. इसका भी जब टेस्ट करवाएंगे, या फिर पर्सन को मेजर डिसीज कंडीशन होगी, जब पूरी तरह पेशेंट जो क्या है लास्ट स्टेजेस पे जाने लगता है ना, तब जाकर ये क्या है डिसीज कंडीशंस क्या है डायग्नोज होती है. बट इन केस ऑफ रेबीज ऐसा नहीं होता. रेबीज का पेशेंट है जो, उसमें इन्फेक्शन आई, तुरंत विद इन द जो भी इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, है ना, उसके बाद क्या है पेशेंट प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम शो करने लगेगा. ऐसा नहीं है कि विद इन दैट ड्यूरेशन जो क्या है ये डिसीज स्प्रेड कर रहा है, ये चीज़ नहीं है. सो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज नॉट सीन, दैट इज इन द रेबीज. बाकी सभी के जो क्या है ये लोग क्या है छुप कर बैठे हुए हैं कम्युनिटी में, हमें पता ही नहीं चल रहा कि दिस पर्सन इज सफरिंग, लाइक एड्स वाला पर्सन, पोलियो वाला, दीज आर ऑल्सो स्प्रेडिंग, है ना, दीज आर दी कैरियर्स बाय दी फीको ओरल रूट, है ना. ये क्या है अपने मतलब के फीसिस के थ्रू ये भी क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड कर. सो सेम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो स्प्रेडेड बाई द फीको ओरल रूट. इससे भी क्या है इन्फेक्शन ये भी स्प्रेड करी जा रही है, हमें नहीं पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हेपेटाइटिस, ठीक है. सो द राइट आंसर हेयर इज द रेबीज. क्लियर है जी सभी को? विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड, हॉस्पिटल इन्फेक्शन को जो हम हॉस्पिटल से एक्वायर कर रहे हैं इन्फेक्शन, दैट आर नोन एज. सो ऑप्शन आर एम्पोरियाट्रिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, एपोनेथिक इन्फेक्शन. सो वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं. एम्पोरियाट्रिक इन्फेक्शन आर द इन्फेक्शन विच आर मीन टू से कब ये ट्रांसफर हो रही है, या फिर कब पर्सन एक्वायर कब करता है, ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रेवल्स, ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेवल्स वी आर एक्वायरिंग सम इन्फेक्शन फ्रॉम द अनदर कंट्री,
फ्रॉम दी अदर लाइक एरियाज दैट आर नोन एज द एम्पोरेट्रिक इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. दीज आर द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू, दैट इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज द इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, मीन्स दीज आर ड्यू टू द हॉस्पिटल प्रोसीजर्स, लाइक हॉस्पिटल प्रोसीजर मीन टू से थेरापिटिक प्रोसीजर्स. थेरापिटिक प्रोसीजर्स के टाइम जो क्या है, जो इन्फेक्शन हम एक्वायर करते हैं, दैट आर नोन एज द इट्रोजेनिक इन्फेक्शन. दीज आर ऑल्सो नोन एज द फिजिशियन induced infections, but these are not means by the intentional intentivity of the physician nahi rehte, these are the unintentional infections during the therapeutic procedures. theek hai ji, for example hum iski example kya kar sakte hain iatrogenic ki. for example as a healthcare provider you are taking the sample of the biopsy, hai na, तो आपने तो क्या है किसी डायग्नोसिस पर्पस के लिए उस पर्सन की बायोप्सी की है ना. बट आफ्टर बायोप्सी इन केस वहाँ पे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बायोप्सी, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट में ब्लीडिंग होने लगी है. सो दिस इज द इट्रोजेनिक, दैट वॉज नॉट द इंटेंशनल वे, है ना, कोई इंटेंशनली नहीं आपने वो किया, बट पेशेंट को वो वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, वहाँ पे पेशेंट को पेशेंट ने इन्फेक्शन एक्वायर कर ली है, दैट इज नोन एज द इट्रोजेनिक इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज द एपोनिथिक इन्फेक्शन. सो एपोनिथिक इन्फेक्शन इज वॉट, इट इज द एपिडेमिक इन द एपिडेमिक्स इन द वर्ल्ड, दीज आर नोन एज द एपोनिथिक इन्फेक्शन. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नोजोकोमियल. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. कभी कभार हमें चलो ये तो पता होता है कि वॉट इज नोजोकोमियल, द इन्फेक्शन दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे. बट वहाँ पे अगर आपसे एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है, दैट इज द ड्यूरेशन, के जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन रहती है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद पेशेंट को अगर हो, दैट आर नोन एज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स द इन्फेक्शन, है ना, एडमिशन होने के आफ्टर 48 आवर्स बाद जो इन्फेक्शन एक्वायर होती है, दैट आर नोन एज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. द अनदर मेन कॉन्सेप्ट आई वॉन्ट टेल यू हेयर, इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्सेप्ट है ये, दैट इज के डिस्चार्ज के कितने टाइम ड्यूरेशन के, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को डिस्चार्ज हो गया, है ना, उसके कितने ड्यूरेबिलिटी में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रही है, दैट आर नोन एज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स, है ना, मतलब एडमिशन हुई उसके बाद जब हमारा डिस्चार्ज हुआ, विद इन द 48 आवर टू 72 आवर्स अगर हमारे को इन्फेक्शन होती है, दैट आर नोन एज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो आर एम सी क्यू वॉज दी वॉट आर द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो हेयर वी मतलब हमें क्या 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 पता चल गया है कि व्हाट आर द एम्पोरिएट्रिक इट्रोजेनिक एंड द एपोनेथिक एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. एंड यहाँ पे हमने क्या है टाइम ड्यूरेबिलिटी भी पता कर ली है कि व्हाट आर द टाइम ड्यूरेबिलिटी ऑफ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन. विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज डिसीज इम्पोर्टेंट इन ए कंट्री विच वॉज नॉट अदरवाइज प्रेजेंट. क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हमारी कंट्री में जो इन्फेक्शन आई है ना, वो किसी और कंट्री से आई है, हमारी कंट्री की वो इन्फेक्शन नहीं थी. फॉर एग्जांपल कोविड जो कि चाइना से हमारे तक पहुंच गया, है ना. सो वैसे कोविड क्या था, पेंडेमिक था. बट सो मतलब जो हमारे से क्वेश्चन ने पूछा है कि इम्पोर्टेंट इन ए कंट्री विच वॉज नॉट अदरवाइज प्रेजेंट, उनके लिए हम क्या साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं इन द एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. सो हाँ जी, एपोरनिथिक इन्फेक्शन डिसीजेज अभी हमने किया है. एपोरनिथिक इन्फेक्शन आर द डिसीजेज
और वी कैन से एपिडेमिक्स इन दी वर्ड्स, एपिडेमिक्स इन वर्ड्स. जूनोटिक सिंपली मीन टू से डिसीजेज ऑफ द एनिमल्स. एपिजोटिक एपिडेमिक्स इन द epidemics in the animals. So simply with the help of elimination method we solved this MCQ. So diseases important in a country which was not otherwise present are known as the exotic diseases. Clear hai ji? We'll move to next MCQ. Serial interval means, niche se start karte hain, time in which the parasite develop in the vector. No, this is not the time which in which parasite develop, hai na? Shortest incubation period, mean to say like, for example, in dono terms ka kya matlab hai? Longest incubation period and shortest incubation period. For example, hum padhte hai na, ke, for example, chicken pox ka, hum padhenge ke incubation period is, for example, 10 to 14 days, hai na? So this is the shortest incubation period and this is the longest incubation period. So this is not the serial interval. Serial interval is what? It is the time between the primary case and the secondary case. वहाँ पे जितना time इन दोनों को लग रहा है, that is known as the serial interval. Serial interval. ठीक है जी? The time duration between the difference between the primary and the secondary case. And we already discussed that primary case is the first case of the specific disease condition which is present, which is new in our community. And secondary case is what? That is infected from the primary case. Okay? So serial interval means difference between, right answer is the option A. Difference between the primary and the secondary case. Next MCQ is, disease is highly transmitted during incubation period is or are. Mean to say we have 2 to 3 options in this MCQ. So disease is highly transmitted during incubation period. So here we should know what is incubation period. Incubation period means the infection. Incubation period का भी मतलब क्या है? From the entry of, this is the time period from the entry of microorganism till the appearance of first sign or symptom. So this is the definition of the incubation period. ठीक है जी? So जो infections है, कुछ ऐसी infections है जो के incubation period के time पे ज़्यादा transmit होती है, कुछ ऐसी है that are transmitted during the convalescent period and or we can say during the healthy time duration. ठीक है? मतलब के क्या है? कुछ ऐसी diseases है जो incubation period के दौरान क्या है? अभी patient को sign and symptom भी नहीं आए होते हैं. तब वो क्या है, पर्सन डिसीज को स्प्रेड कर, पॉजिटिव एजेंट को स्प्रेड करने लग जाता है. एंड कुछ ऐसी होती है जब जो क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन होगी, ठीक है जी, जब ये रिकवर होने लगेगा, है ना, ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड दैट आर नोन एज द कन्वेलेसेंट टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो क्या है डिसीजेस ट्रांसमिट होती है. ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनमें से, तो हम इनको जो क्या है, इन डिसीज कंडीशंस को हम कैसे याद कर सकते हैं, दैट इज दी, इनको याद करने का तरीका है डिम पीएच. ठीक है? मेन टू से डिप्थीरिया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स. So these are M2, जो between है दोनों, these are two, measles, mumps, next is pertussis,
नेक्स्ट इज पोलियो एंड दिस इज द हेपेटाइटिस बी. ठीक है जी. सो हमें अभी क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा हुआ है और यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक यू कैन रिमेम्बर डिम पीएच. दीज आर द इन्फेक्शन दैट आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन पीरियड. These are the infection that are highly transmitted during the incubation period. So, dim pH से हम अपने आंसर को सॉल्व करेंगे. So, ये क्या है dim pH. यहाँ पे देख लो pertussis. ठीक है, this is also transmitted during the incubation period. Next, cholera is not the right option. Measles and mumps हमने किया है. ठीक है, brucellosis no. चिकन पॉक्स नो, बिकॉज चिकन पॉक्स क्या है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द चिकन पॉक्स इज द 2 to 3 days बिफोर. एंड यहां पे हुआ पर्सन को चिकन पॉक्स. ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में और 4 to 5 days आफ्टर. दिस इज द टाइम ड्यूरेबिलिटी और वी कैन से पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चिकन पॉक्स. सो आर राइट आंसर इज द पर्टूसिस एंड द मीजल्स. ठीक है जी, विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. हेयर यू हैव टू रिमेंबर दी जो इनक्यूबेटरी पीरियड के दौरान जो क्या है ट्रांसमिट होने वाली इन्फेक्शन है, यू कैन रिमेंबर दिस बाय द डिम पीएच निमोनिक. नेक्स्ट एमसीक्यू इज इनक्यूबेटरी कैरियर्स सीन इन. इनक्यूबेटरी कैरियर्स सीन इन, अभी हमने क्या पढ़ा है, जो डिसीजेज है हाईली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन पीरियड. सो दिस is we have to remember here incubatory carrier seen in. So with the help of same, wahi kya tha padha abhi humne, dim pH. theek hai ji, ye dono do hai inke diseases yahan se jo humne remember karni hai, baki kya hai ek ek. So fir se likh lete hain hum dim pH ko. dim pH एक पी रहेगी हमारी. ठीक है जी, सो दिस इज डिप्थीरिया. हाँ जी, इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट इज द मीजल्स. नेक्स्ट इज द मम्स. नेक्स्ट इज द पर्टूसिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज द वूपिंग कफ. नेक्स्ट इज द हेपेटाइटिस वी. नेक्स्ट इज द पोलियो. नाउ वी हैव टू आंसर आर एमसीक्यू. इनक्यूबेटरी कैरियर सीन इन कोलरा वहां पे नहीं है, ब्यूबोनिक प्लेग वहां पे नहीं है. सो पी से आपने प्लेग को नहीं याद करना, यहां पे है पोलियो एंड पर्टूसिस. ठीक है जी, प्लेग नहीं है. सो आंसर इज द मीजल्स भी हो गया हमारा यहां पे, मम्प्स भी हो गया एंड द इन्फ्लुएंजा भी हो गया. विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. WHO declared global eradication of the smallpox. Very interesting and very 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 important MCQs related to your entrance point of view. So WHO declared global eradication of the smallpox on. तो कब की है, इसको भी हम बहुत easily with the help of good trick we can remember this. So here you have to remember smallpox data by. दो चीजें हम याद करेंगे यहां पे, इंडिया का एंड द वर्ल्ड वाइड. ठीक है, यहां पे हम एक चीज लिख लेते हैं. ठीक है, नेचुरल लास्ट केस. ठीक है जी, एंड इरेडिकेशन. दो चीजें हम यहां पे याद करेंगे, इंडिया एज वेल एज द ऑफ द वर्ल्ड वाइड. ठीक है जी. The one important thing I want to tell you here, you just have to remember 1975. You just have to remember here one thing, one data, that is 1975. ठीक है जी, अभी इसको पकड़ के हम
सारी चीजों को याद करेंगे. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 1975. आफ्टर 1975, आफ्टर 3 ईयर्स, वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है, नेचुरल लास्ट केस आया था 1978 के. अभी आपने याद करना है इसके 2 ईयर्स के बाद, इसके 2 ईयर्स के बाद 1975 प्लस 2 ईयर्स दैट इज 1977, और इसका क्या, अप्रैल. ठीक है जी, 1978 प्लस 2 ईयर्स दैट इज 1980, एंड अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई. यहां पे कब क्या हुआ था, ग्लोबल इरेडिकेशन इन द 1980s, नेचुरल लास्ट केस वाज इन द इंडिया दैट वाज द 1975, वर्ल्ड वाइड इट वाज इन 1978 आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द इंडिया, एंड आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द इंडिया इन द अप्रैल 1975 इट वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया. आफ्टर 1978 के 2 ईयर्स के बाद जो क्या था, इन द 1980 स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड वाइड. ठीक है, ग्लोबली इट वॉज इरेडिकेटेड. सो नाउ वी कैन सी आर एम सी क्यू. हेयर इज द WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स. सो हाँ जी, स्मॉल पॉक्स ग्लोबली, तो क्या अभी हमने क्या याद किया है, May 1980 is the right option for our MCQ. We'll move to next MCQ. Which of the following is the least common complication of the measles? Least common complication of the measles. So here we have to remember measles ke baare mein. So measles ke baare mein agar dekha jaye, यहाँ पे तो आपने एमसीक्यू को अच्छी तरह से पढ़ना है, दैट इज लीस्ट कॉमन. तो अभी मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगी, सभी को लिखो इधर. द लीस्ट कॉमन एंड द रेयर कॉम्प्लिकेशन इज द SSPE, दिस इज द स्क्लेरोसिंग, जो क्या है, एनसेफलाइटिस है. ठीक है जी, दिस इज द लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन. और वी कैन से रेयर इन्फेक्शन, ठीक है जी, ऑफ द मीजल्स. नेक्स्ट इज द मीजल्स की मोस्ट कॉमन, दिस इज द अगर यहाँ पे लीस्ट की जगह मोस्ट कॉमन आ जाए एमसीक्यू से, तो आपने क्या आंसर करना है, ओटाइटिस मीडिया. वैसे राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द SSPE. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज द ओटाइटिस मीडिया, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज द ओटाइटिस मीडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, किसी भी तरह घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद निमोनिया एंड द डायरिया, दीज आर द कॉमन. तो 3 एमसी यहाँ पे चीजें बन गई, 3 कॉन्सेप्ट वी हैड क्लियर फ्रॉम दिस एमसीक्यू. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द मीजल्स इज द ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, नेक्स्ट इज द लीस्ट कॉमन मीन टू से रेयर इन्फेक्शन, दैट इज द SSPE. Mean to say encephalitis. Next is the common, common diarrhea and the pneumonia is the common infections of the measles. ठीक है जी, complications है. We'll move to next MCQ. So right answer for this MCQ, 16th MCQ was the SSPE option D. Next is the measles vaccination campaign between 9 months. यहाँ पे 9 month आएगा. To the 14 years of the age for elimination is. So I want to tell you about in detail that measles campaign started by the WHO for the elimination of the measles, for the elimination of the measles, and it was a 3-strategy procedure. इसमें क्या है, WHO ने 3 strategies रखी है. That was the सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी सी थी, दैट वॉज द कैचअप, देन कीप अप, एंड नेक्स्ट वॉज द फॉलो अप. अभी WHO ने कैचअप में क्या किया है, कैचअप में क्या था WHO का, दैट इज के फ्रॉम 9 month टू 14 years के जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे ना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. जितने भी 9 months to 14 years के चिल्ड्रन रहेंगे विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ के उनको प्रीवियस वैक्सीनेशन हो रखी है या नहीं हुई, या उनको प्रीवियसली डिसीज कंडीशन के एक्सपोजर में आए हैं या नहीं, विदाउट अ डाउट मीन टू से विदाउट एनी हिस्ट्री यू हैव टू वैक्सीनेट ऑल दिस एज ग्रुप, है ना, वैक्सीनेट ऑल दिस एज ग्रुप. ठीक है जी, फ्रॉम 9 months to 14 years विदाउट एनी हिस्ट्री. ठीक है, सभी को उठाकर वैक्सीनेट करना है, सभी को उठाकर वैक्सीनेट करना है. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द WHO कंपेन टू एलिमिनेट द मीजल्स. सेकेंड इज द कीप अप. ठीक है जी, कीप अप में क्या है कि अभी आपने 9 months to 14 years के बच्चों को कर दिया है सभी को वैक्सीनेट. इन द सेकेंड स्टेप इन द कीप अप दे सेड कि 95% पॉपुलेशन को, है ना, जितना को कर दिया ठीक है, मीन टू से योर टारगेट इज टू वैक्सीनेट 95% ऑफ द पॉपुलेशन, यू हैव टू वैक्सीनेट इट. ठीक है, एटलीस्ट 95% पॉपुलेशन को वी हैव टू वैक्सीनेट, है ना, हमें अपने कंपेन को कंटिन्यू रखना है एंड वी हैव टू वैक्सीनेट अप टू 95% ऑफ द पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज द फॉलो अप. हाँ जी, इसमें क्या था, जितने ही आपने 95% तक पॉपुलेशन कर दी ठीक है, वैक्सीनेट कर दिया ठीक है, उसके बाद आपने इस कंपेन को रोकना नहीं है, वी हैव टू कंटिन्यू दिस कंपेन जितने की होगी ठीक है, उसके बाद फॉलो अप करो उसको, नेक्स्ट पॉपुलेशन को वी हैव टू वैक्सीनेट. सो हमारा MCQ क्या था, मीजल्स वैक्सीनेशन कंपेन इन 9 to 5 एलिमिनेशन, ठीक है, किस में आता है, कीप अप में आता है, फॉलो अप में, मोप अप में, मोप अप इज नॉट द ऑप्शन हियर. सो स्ट्रेटेजीज में क्या था, कीप अप, फॉलो अप एंड द कैच अप. ये कैसे था, कैच अप, नेक्स्ट कीप अप एंड नेक्स्ट इज द फॉलो अप. ठीक है जी, एंड इसमें से अभी ये चीज कहां पे फॉलो हो रही है, इन द कैच अप, है ना, एंड कीप अप में क्या था, कंटिन्यू रखो जी, कितने को, कितनी पॉपुलेशन को करना है हमें, 95 को, जड़े नहीं हुए वो फॉलो अप में करेंगे. ठीक है जी, जो लोग रह गए हैं वो फॉलो अप में, उनको भी फर्दर क्या है, वैक्सीनेट करना है हमें. सो आर राइट आंसर फॉर दिस इज द कैच अप, दिस इज द राइट आंसर. विल मूव टू नेक्स्ट MCQ. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्प्स इन चिल्ड्रन इज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन चिल्ड्रन इज, हाँ जी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. इफ क्वेश्चन को घुमाकर आ जाए, बॉयज में पूछ लें ठीक है और गर्ल्स में पूछ लें मीजल्स का, बॉयज में क्या होगा जी, ऑर्काइटस, गर्ल्स में क्या होगा, ओवोफोराइटस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरीज, लड़कों में क्या होगा, ऑर्काइटस. क्लियर है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के केस में अगर सिंपली मोस्ट कॉमन पूछ लें इन चिल्ड्रन, दैट विल बी आंसर विल बी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट MCQ इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्जेनाइटल रूबेला एक्सेप्ट. हाँ जी, कॉन्जेनाइटल रूबेला के बारे में सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, ट्रू है. ठीक है जी, एक्सेप्ट एक को छोड़कर. हाँ जी, सो हेयर वी शुड नो व्हाट इज कॉन्जेनाइटल रूबेला. ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज डायग्नोज्ड व्हेन द इन्फेंट हैज IgM एंटीबॉडीज एट बर्थ. इट इज डायग्नोज्ड व्हेन IgG एंटीबॉडीज परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months. मोस्ट कॉमन कंजुनाइटल डिफेक्ट्स आर द डेफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड द कैटरेक्ट. इन्फेक्शन आफ्टर 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन रिजल्ट इन मेजर कंजुनाइटल डिफेक्ट. सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज कंजुनाइटल रूबेला सिंड्रोम. तो कंजुनाइटल रूबेला सिंड्रोम इज मीन टू से मदर को था रूबेला, इससे क्या है, बच्चे को हो गया, मतलब कि क्या है, बच्चे ने बाय बर्थ
बेबी ने जब बाय बर्थ रूबेला को एक्वायर किया, दैट इज नोन एज द कॉन्जेनाइटल एक्वायर फ्रॉम बर्थ, विच इज नोन एज द कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अभी जो कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है ना, इसका मेन मुद्दा क्या है कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का, कि इट इज अ डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस मीन टू से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इफ वी आर इफ मीन टू से बेबी एक्वायर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर बेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्वायर कर ले तो दिस इज द वेरी 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 डेंजरस फॉर द बेबी। ठीक है, फर्स्ट मीन टू से फ्रॉम अप टू 12 मंथ्स है ना, तो वहाँ पे जो बच्चे के मरने के मतलब अबॉर्शन के, ठीक है जी, स्टिल बर्थ के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, स्टिल बर्थ चांसेस। उसके बाद क्या आ जाता है, हाँ उसके बाद अगर बात की जाए कि इफ मोर देन 16 वीक, ये क्या है एक्वायर हुए आफ्टर 16 वीक्स, अगर ये डिसीज कंडीशन है एक्वायर, तो वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, देर आर लेसर चांसेस इफ दे आर एक्वायरिंग आफ्टर 16 वीक्स, बट इफ दे आर एक्वायरिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देर आर द चांसेस, बिकॉज वाई, वहाँ पे क्या है ऑर्गन डिवेलपमेंट होती है। ठीक है जी, सो वन थिंग इज वी हैव क्लियर इज दी कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है देन इट इज वेरी डेंजरस, आफ्टर 16 वीक हो रहा है देन लेस चांसेस के बच्चे को कोई क्या है प्रॉब्लम आए। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि यहाँ पर क्या है, वट इज द ट्रायड ऑफ कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, दैट इज CRS। सो बच्चे को क्या है कैटारेक्ट है ना, आईज में क्या है कैटारेक्ट हो रहा है, ईयर्स में, उसके बाद आ जाओ ईयर्स पे डेफनेस, उसके बाद आ जाओ आप हार्ट पे, तो वहां पे क्या है बच्चे को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेज हो, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेज। तो अभी अगर एक MCQ इम्पोर्टेंट और बन रहा है कि बच्चे को कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया है, वहाँ पे कौन सी हार्ट डिसीज सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है TOF पूछ सकते हैं आपको, लाइक टेट्रोलॉजी ऑफ फैट, एक मिनट में आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देते हैं आपको, बच्चे को है क्या है CRS कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और यहाँ पे ऑप्शन आपको उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि बच्चे को हार्ट डिसीज होने के चांस है। अभी हमने पढ़ लिया है कि बच्चे को हार्ट डिसीज भी होती है, तो वो क्या पूछ सकता है आपसे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज कौन सी हो सकती है। देयर मे बी बाइकस्पिड, देयर इज द ट्राइकस्पिड, ठीक है, TOF, चार ऑप्शन दे दी उसने, TOF एंड PDA, पेटेंट डक्टर आर्ट्रियोसिस, बाइकस्पिड का क्या है अट्रेशिया, ट्राइकस्पिड का अट्रेशिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। सो योर राइट आंसर विल बी व्हाट, इट इज PDA। सो कॉमनेस्ट हार्ट डिसीज इज द PDA, दैट इज द पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है जी, सो ट्रायड ऑफ CRS में क्या आ जाता है, कैटारेक्ट, डेफनेस एंड द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज। और बच्चा होता है ना जो, उसमें क्या है IgM, ठीक है जी, एंड IgG क्या है डिवेल्प हो जाती हैं। सो IgM, IgG हमें पता है दीज आर द एंटीबॉडीज दैट आर डिवेल्पिंग ड्यूरिंग द अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। सो M इंडिकेट द एक्यूट इन्फेक्शन एंड G इंडिकेट द क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है जी, सो हेयर इज द क्वेश्चन, दैट इज इट इज डायग्नोज वेन द इन्फेंट हैज IgM एंटीबॉडीज एट बर्थ। ठीक है जी, एक्यूट को इंडिकेट कर रही हैं, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट इज डायग्नोज वेन IgG एंटीबॉडीज परसिस्ट मोर देन 6 मंथ्स, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज G इंडिकेट्स द क्रॉनिक इन्फेक्शन। कॉमन मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स आर द डेफनेस, कार्डियक
malformation and the cataract. So this is the triad of the congenital rubella syndrome, है ना. Next, infection after 16 weeks of gestation result in the major congenital defect, है ना. After 16 week is the not the right option, because हमने क्या पढ़ा है कि 16 week के बाद तो वहाँ पे बहुत ही कम chances रह जाते हैं. Mean to say, first trimester में क्या था वो, तो first trimester कब तक होता है, 12 weeks तक, है ना. तो this is not the right option. बाकी सारे क्या है, so answer यहाँ पे क्या रहेगा, D. बाकी ये सारे क्या थे, right option थे. हमें question ने क्या पूछ रखा था, ट्रू अबाउट congenital rubella सभी है एक्सेप्ट एक को छोड़कर. सो दिस इज द डी ऑप्शन इज द फॉल्स स्टेटमेंट. क्लियर है जी. विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू. हाँ जी. सो आर नेक्स्ट एमसीक्यू इज द, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डिप्थीरिया कैरियर्स. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डिप्थीरिया कैरियर्स. सो दिस इज द डिप्थीरिया कैरियर्स में क्या रहेगा हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डिप्थीरिया कैरियर्स इज द, सो आई वांट टू टेल अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर द डिप्थीरिया. ठीक है जी. ट्रीटमेंट ऑफ द, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया. सो दैट इज द, ये क्या है, हमें एमसीक्यू ने क्या पूछा हुआ है, कैरियर्स का ट्रीटमेंट, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया डिस्कस करते हैं, द ड्रग ऑफ चॉइस इज द एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एंड इट इज गिवन टू द केसेस, टू द कैरियर्स एंड टू द कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, तीनों को दी जाती है, बट थोड़ा सा क्या है कि टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस हो जाता है. लाइक केसेस को क्या है, हम 14 टू 15 डेज तक देते हैं. ठीक है, इनको क्या है, कैरियर्स को क्या है, अप्रोक्सीमेटली लाइक 7 टू 10 डेज तक देते हैं. एंड कॉन्टैक्ट्स को कितना देते हैं, लाइक 5 टू 7 डेज देते हैं. ठीक है जी. सो जो अल्टीमेटम आंसर है, दैट इज द एरिथ्रोमाइसिन की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इज द एरिथ्रोमाइसिन. बाकी जो क्या है, केसेस को, कैरियर्स को, कॉन्टैक्ट्स को क्या है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस रह जाता है. ठीक है जी. सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डिप्थीरिया आंसर विल बी द एरिथ्रोमाइसिन. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके जी, थैंक यू.